अच्छा जी, ये है यार, ये क्या है? नहीं यार, अल्लाह मुझे अब तो शर्म आ रही है यार, नहीं बज रही यार। इतने बड़े बड़े सीनियर एक्टर्स बैठे हैं मेरे सामने सीधे यार, ये क्या प्रेशर देखे, मौत के फरिश्ते आ गए, मौत के फरिश्ते। ये कैसे बने दोबारा? अब दोबारा तो ये यार, ये वही सीटी है। ये कौन सी वही सीटी है? अच्छा देखना जरा बाहर कौन है यार, बजाना मुश्किल काम है। नहीं बजी, नहीं बजी, आप मुझे टेंशन दें, 500 रुपए मांगे आप मुझसे, देना जरा 10,000 रुपए। अभी आपने बड़ी बात कर ले ले, आपको ये 7,000 मांगे और यार, ये मैं वैसे जब जनरल नॉर्मल बैठा था तब मेरे मुंह से निकलती अच्छी सी। हाँ फिर वो किसी दिन बजा के दिखाएंगे आपको। सही है। और शिक्षक साहब, आपने क्या फिर सोचा बड़े हो के आप क्या बनेंगे? मतलब अभी तो आपका बिल्कुल यंग लड़कपन चल रहा है ना, अब आप बताएं। यासर नवाज बनेंगे? नहीं नहीं प्लीज, क्योंकि एक ही जल्लाद काफी है। शिक्षक साहब आप ही घर में बड़े हैं ना, आप ही घर में बड़े हैं ना, बड़े भाई और मैं भी बड़ा हूँ। yes. आपकी इज्जत होगी घर में? yes. मेरी नहीं है। आइए बस आप बजाएं। पैरों के नीचे आ गए, पैरों के नीचे आ गए। दो तीन स्टाइल है, अगर घर की घंटी बजती है तो ऐसे बजती है। यार ये बचपन से ही ना मुझे असल में पढ़ाई का बहुत शौक था। अच्छा, तो जब भी जब भी पढ़ाई करने जाते थे सीडी बजाते थे। जब भी मैं पढ़ाई करने जाता था तो सीडी बजाता था। किसको देख के? किताबों को देख के और किसको? को एजुकेशन बस ये होते होते रह गया। अगर हम को एजुकेशन पढ़े होते तो आज क्या होता? पढ़ ही जाते हैं कंपटीशन में क्या है? अच्छा उसके चक्कर में पढ़ लिए। अच्छा भैया, सारे लड़के थे सारे फेल हो गए थे। हमारे बच्चे का भी चैलेंज देखे, ये मेरा। हाँ माशाल्लाह, इसका ये बुलबुल की आवाज निकालते हैं। नहीं नहीं, चैलेंज देखे जरा, वो क्या ये हाथ घुमा दिया पूरा ऐसे देखा? नहीं यार, दोबारा करें। वाह जबरदस्त, यानी कि दूसरों के भी काम आ सकता है। दूसरों एक और चैलेंज, ये हो गया दूसरा चैलेंज। हां ये देखो, वाह फिर से एक बार फिर करो। जबरदस्त यार, क्या रिएक्शन है। हां ये देखो, और वो दूसरा कान कान ला सकते हैं। दूसरा ये देखें, ये देखें दूसरा वाला मैं कर सकता हूं। नहीं दिया आपने? यस कान का क्लोज हो गया सर, वो दिमाग हिल रहा है कान में। दिमाग हिला कान हिलाता हूँ। वाह यार, कान में और आज दिन है चैलेंजेस। यासर का हाथ भी हिल रहा है, ऐसे हिलाओ। अरे वाह यासर, हाथ भी हिल रहा है, कान भी हिल रहा है, हाथ भी हिल रहा है, सर भी गर्दन भी हिलती है, गर्दन भी हिलती है। एक एक सवाल करेंगे आपसे। व्हाट? ऐसी रैंडम सवाल, मुश्किल सवाल, किसी ने ना किया सवाल मैं करूँ क्या? मैं सवाल कर, हम सब एक एक सवाल करेंगे। बोले वेरी गुड, आप जवाब देंगे। वेरी गुड, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपना शेख साहब का सवाल, पहला सवाल मेरा है। हाँ, कि अपना पहले पहला जो क्रश था उसका नाम क्या है? मेरा सही बताइएगा। सबिया सबिया, आई गेस।
और अभी कांटेक्ट में है? नहीं अभी, हाँ वो नानी दादी हो सभी आज जामी सुन रही हैं आपका, आप रिटायर हो चुकी हैं, आप रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन ये भूले नहीं है आप, और ये स्कूल का था या कॉलेज का था? स्कूल का ना करेगा तो आप स्कूल से, मैं मेरा बताओ किसका, मैं क्या सारे मैं सिर्फ पकड़ा गया हूँ शेख साहब के टाइम पे कबूतर भी छोटे थे मैंने कबूतर भी छोटे थे इसलिए खत फेंकते थे खुद से जी साहिबा जी आप सवाल अभी नहीं सोचो सोचना क्या सोच लिया हाँ साहिबा सवाल मेरा सवाल है आपसे कि आपकी आपकी ग्रेस और फिटनेस का रास ये वो सवाल है जो रूटीन वाला सवाल है टफ सवाल होने चाहिए आप प्रेसिडेंट का ब्रेन पूछो मुझसे मैं मजाक कर देखो बात ये है कि ये सारा आपके जहन में पॉजिटिव हूँ और ना मैं किसी को प्रॉब्लम में डालता हूँ और ना कोई मुझे प्रॉब्लम में डालता है तो लिहाजा खुश रहता हूँ किलोमीटर में वॉक करता हूँ एंड मैं खाने खुद बनाता हूँ ऑलिव ऑयल ऑलिव यू नो ऑल द वेजिटेबल एंड ऑल द फ्रूट्स यू नो चलें नहीं हम भी ख्याल करते हैं हम लोग भी चलें मैं शेख साहब आपने वो ड्रामा देखा है जिसमें दो धड़ वाला बच्चा दिखाते थे नहीं नहीं देखा नहीं। उसमें वो एक रुपए में दो धड़ वाला बच्चा दिखाते थे एक रुपए की बात क्यों की है एक रुपए वैसे पता नहीं याद आ गया थैंक यू शेख साहब बहुत मजा आया आपके साथ बहुत मजा आया हमेशा की तरह हीरो हीरो जुमला दिया और हीरो और कब्र के भी खिड़की बना हुआ थैंक यू ओके मंशा थैंक यू क्या हुआ मैं थैंक यू शुक्रिया सॉरी हाँ जी तो ये हमारा था आज का व्लॉग और शेख साहब के साथ कुछ मस्तियाँ की हैं वो सीनियर आर्टिस्ट हैं हम रिस्पेक्ट भी करते हैं लेकिन उनसे उनके साथ काम काफ़ी किया है तो ज़रा चिट चैट मस्ती मजाक हो जाती है और उम्मीद है कि वो भी नाराज़ नहीं होंगे और आप लोग भी नाराज़ नहीं होंगे वो तो हर किसी नाराज़ नहीं है वो तो ना है ना होंगे आप लोग सोच रहे होंगे यार ये बड़ों के साथ भाई कुछ बड़ों के साथ मतलब वो कोई ऐसे बहुत बड़े नहीं है मतलब दोस्ती भी होती है कलीग्स हैं तो मजाक भी चल रहा है बिल्कुल ऐसे ही है तो बाय बाय खुदा हाफिज़ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द मुलाकात होती है